नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे कार्यक्रम दी पर्सनालिटी में। मैं हूं सागर राव और आप देख रहे हैं निर्माण न्यूज। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पर्सनालिटी एक ऐसा शो है जिसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ में जिसमें कुछ अनोखापन है। हम उस शख्सियत से प्रेरणा लेते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत है जिससे हम कुछ ही देर में आपकी मुलाकात कराएंगे। डेडिकेटेड ड्रीम्स एंड ऑल द कमिटमेंट्स विच आर देयर इन विद हिम, ही हैड सो फार फुलफिल्ड एवरीथिंग दैट ही ड्रीम्ड ऑफ। जिंदगी में एक मुकाम पे पहुँचे, एक मंजिल हासिल की और उसके बाद में एक कंपनी जिसको उन्होंने ज्वाइन किया, उसमें उन्होंने 38,000 करोड़ से ज़्यादा के टर्नओवर पे उस कंपनी को पहुँचाया, हिंदुस्तान की नंबर 1 FMCG कंपनी बना के, और उसके बाद में भी अभी भी उनका सफ़र जारी है। ऐसी ही एक शख्सियत है हमारे अजीज दोस्त जिन्हें हम रुपिंदर पाजी कहते हैं। रुपिंदर पाजी की ज़िंदगी का एक मूल मंत्र है ड्रीम्स एंड डेडिकेशन। कूल, काम एंड कमिटेड रुपिंदर पाजी जो बात एक बार ठान लेते हैं उसे हासिल करे बिना सांस नहीं लेते हैं। चैन की सांस तो बहुत दूर की बात है। तो आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं रुपिंदर पाजी से। रुपिंदर पाजी जिन्होंने 1982 में इस कंपनी को ज्वाइन किया था और आज उस कंपनी को 38,000 करोड़ से भी ज़्यादा के टर्नओवर तक ले जाने में कामयाब हुए हैं। मिलिए श्री रुपिंदर पाजी से। अमूल 1946 में गठित अमूल भारत में एक डेयरी सहकारी आंदोलन। शीर्ष सहकारी संगठन गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड द्वारा प्रबंधित एक ब्रांड। गुजरात में 2.5 लाख दूध उत्पादकों का संयुक्त रूप से स्वामित्व प्राप्त। अमूल गुजरात के आनंद शहर में स्थापित है और लंबे समय तक एक सरकारी संगठन की सफलता का एक उत्कृष्ट उदाहरण रहा। विकासशील अर्थव्यवस्था में सहकारी उपलब्धियों के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। भारत में सफेद क्रांति को प्रेरित किया है और दुनिया में भारत को दूध और दूध उत्पादकों का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया।
सबसे बड़ा शाकाहारी पनीर ब्रांड का उत्पादक भी है। भारत का सबसे बड़ा फूड ब्रांड है। दुनिया का सबसे बड़ा पाउच दूध ब्रांड है, जिसका वार्षिक कारोबार 1050 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। अमूल में 6,94,271 उत्पादक सदस्य हैं, जो प्रतिदिन 5 मिलियन लीटर दूध का संग्रह करते हैं। ब्रांड नाम अमूल का अर्थ अमूल्य है। संस्कृत शब्द अमूल्य का अर्थ है जिसका कोई मोल नहीं। आनंद में एक गुणवत्ता नियंत्रण विशेषज्ञ ने ब्रांड नाम अमूल का सुझाव दिया। अमूल दूध पाउडर, अमूल घी, अमूल स्प्रे, अमूल पनीर, अमूल चॉकलेट, अमूल श्रीखंड, अमूल आइसक्रीम, न्यूट्रमूल, अमूल दूध और अमूल्य ने अमूल को भारत में एक अग्रणी ब्रांड बना दिया है। सर नमस्ते। आइए सागर जी, आइए आइए आइए। वेलकम टू अमूल। सोढ़ी साहब, उदयपुर से आपने एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और उसके बाद में आनंद से रूरल मैनेजमेंट करने के बाद में 1982 में आपने अमूल ज्वाइन किया। अमूल मतलब आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इस ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने में आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, अमूल की उपलब्धि है, ऐसा हमारा मानना है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं देखिए, ये हमारी उपलब्धि नहीं है। पहले बात तो बताऊं कि अमूल 1946 में बना जी। श्री त्रिभुवनदास पटेल और उसको डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने मिल के अमूल को आज यहाँ जहाँ देख रहे हैं और ये अभी भारत का नंबर एक फूड ब्रांड है। देखिए आप विश्व में सब कंट्रीज में चले जाइए, भारत के भी आसपास चले जाइए, फूड में नंबर वन ब्रांड हमेशा कोई मल्टीनेशनल होता है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। अमूल आज तकरीबन 38,000 करोड़ रुपीस का ब्रांड है पर एनम का। माय गॉड। और जब मैंने ज्वाइन किया 1942 में ऑलरेडी अमूल एस्टेब्लिश हो चुका था, क्योंकि मैं तो एक पंजाब में गाँव में पैदा हुआ, फिर उदयपुर से एग्री इंजीनियरिंग किया, फिर आनंद इरमा से रूरल मैनेजमेंट किया, तो थोड़ा सा हमारा रूरल एक्सपोजर था ही। 1982 में जब मैंने अमूल ज्वाइन किया, मेरी उम्र तकरीबन 23 साल थी और अमूल में 12 लाख लीटर दूध आता था। 12 लाख लीटर और आज 250 लाख लीटर आता है। उस वक्त हमारा टर्नओवर था 121 करोड़ और इस साल अमूल ब्रांड का टर्नओवर होगा 38,000 करोड़। ये सब जो हुआ है, ये हुआ है क्योंकि गुजरात के 36 लाख किसानों ने मिल के ये संस्था बनाई, दूध का प्रोडक्शन ही नहीं किया, उसका प्रोसेसिंग और मार्केटिंग खुद किया। और वो लकी थे कि उनको लीडर, पॉलिटिकल लीडरशिप त्रिभुवनदास पटेल और प्रोफेशनल लीडर लाइक डॉक्टर वर्गीस कुरियन मिले। हम तो उसमें बाद में जुड़े, उसको वैसे ही जिस पथ पे रखे गए हैं, जिस वैल्यू सिस्टम पे संस्था बना के गए हैं, उसी पे ही आगे चल रहे हैं। सोढ़ी साहब, मैं एक और बात आपसे जानना चाहूँगा कि उदयपुर से एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग करने के बाद आनंद से इरमा से आपने रूरल मैनेजमेंट किया, आप स्टूडेंट कैसे थे? स्टूडियस थे या
नोटोरियस या नॉटी? नोटोरियस तो नहीं थे, विटी जरूर नहीं, नहीं नहीं नहीं। देखिए नो डाउट स्कूलिंग, देखिए मैंने गवर्नमेंट स्कूल से किया दिल्ली में। अच्छा। मैं पहली चार क्लास से गांव में पढ़ा, उसके बाद 1965 वार में, हमारा गांव पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, तो जब वो वार हुई तो हम फोर्सिबली हम दिल्ली में शिफ्ट कर गए। वहाँ गवर्नमेंट स्कूल से मैंने हाई सेकेंडरी की, 11th पास किया, मेरे 55% मार्क्स थे। हम ठीक है, वह उस वक्त हम जो होता था मतलब फर्स्ट डिवीजन आना ही तो बहुत बड़ी बात मानी जाती, तो सिर्फ मैथमेटिक्स हमारी आई अच्छी, अब एग्जाम से एक दिन रात को पढ़ लेते थे। हाँ, कॉलेज में आके जब इंजीनियरिंग में आए हम उदयपुर में, उसमें हमने नीचे भी नहीं थे ऊपर भी नहीं, बीच वाले स्टूडेंट थे, तो मस्ती भी मारते थे और पढ़ते भी थे। फिर सबसे बड़ी जो चेंज लाइफ में आई, जब मुझे इरमा में एडमिशन मिला, यहाँ आके हम इरमा में आके हमको जो एक्सपोजर मिला इंडिया के बेस्ट कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ बैठ के, जब हमको पढ़ने को अपने बातचीत करने को मिला, उससे जो हमारी ग्रोथ हुई वो बहुत बढ़िया थी। अमूल में उस जमाने के वाइट रिवॉल्यूशन के प्रणेता, जिन्हें मिल्क मैन भी कहा जाता था, डॉक्टर कुरियन के साथ में काम करने का आपको मौका मिला। जी हाँ। उनके साथ का कोई ऐसा अनुभव जिसको आप अपने जीवन का आदर्श मानते हैं या जिसको आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं? देखिए, डॉक्टर कुरियन के साथ कोई भी क्षण जो हमने बिताया वो आप भूल नहीं सकते। हर मीटिंग में, हर इंटरेक्शन में कुछ ना कुछ हमको सीखने को मिलता था, और जो उन्होंने 61 साल तक उन्होंने अपने जीवन अमूल को दिए, वो उनका जो वैल्यू सिस्टम था ना, उसकी वजह से आज अमूल यहाँ खड़ा है। एक तो उनका ये वैल्यू सिस्टम था कि आप किसानों के लिए जो काम कर रहे हो तो आपको पूरा समर्पित होना पड़ेगा, और पर ऐसे आदमी के लिए काम कर रहे हो जो आप पे पूरा पूरा डिपेंडेंट है, तो आप दिल से काम कर रहे हो। मतलब वो कहते थे कि अगर आपने एक बार किसानों की संस्था में काम कर दिया, आपको मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है। क्या बात है। दूसरा वो कहते थे कि आप एक्सीलेंस, आप ये मत सोचिए कोई कॉपरेटिव है, किसानों की संस्था, तो कोई आपका स्टैंडर्ड लो होगा। तो आप देखेंगे हमारे कोई भी अमूल के प्लांट्स देखिए, हमारे ऑफिस देखिए, हमारे एक्सीलेंस, एवरीथिंग हैज टू बी एक्सीलेंट। टॉप ऑफ द वर्ल्ड टेक्नोलॉजी हम लेते हैं, बेस्ट पैकेजिंग लेते हैं, बेस्ट एडवर्टाइजिंग और ब्रांड बिल्डिंग करते हैं, और प्रोडक्ट्स तो हमारे बेस्ट क्वालिटी के होते हैं। और तीसरी चीज उन्होंने, जिस पर उन्होंने एम्फेसिस देते, इंटेग्रिटी, कि कभी भी इंटेग्रिटी में कंप्रोमाइज नहीं करना। मुझे याद है कि हम इरमा में पढ़ते थे, तो उस वक्त डॉक्टर कुरियन चेयरमैन थे हमारे अमूल फेडरेशन के भी, NDDB के भी और इरमा के भी। Okay. तो हम पूरी क्लास ऐसी बैठी थी, उनसे इंटरेक्शन कर रहे थे कि भी साहब आप तो इतनी जगह पे चेयरमैन, तो आप तो काफ़ी प्रोफेशनल्स को रिक्रूट करते होंगे, तो जब आप किसी प्रोफेशनल को रिक्रूट करते हैं तो आप क्या देखते हैं उसमें? तो उन्होंने कहा देखिए बात सही है, हम बेस्ट प्रोफेशनल लेते हैं, पर हम तीन चीज़ें उनमें देखते हैं, उसी को सिलेक्ट करते हैं। तो हमने पूछा वो क्या तीन चीज़ें हैं, तो उन्होंने बोला इंटेग्रिटी, दूसरा भी इंटेग्रिटी और तीसरा भी इंटेक्ट। क्या बात है। और बाकी मैंने ये देखा था जो मीटिंग्स होती थी, जैसे हमारी तब तो मैं मैनेजर ही था, नीचे लेवल पर था, जब भी मीटिंग होती थी किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी की या क्रिएटिव की, तो जनरली जब उनको कोई प्रश्न पूछना होता था, सबसे जो जूनियर मोस्ट होता था उससे पूछते थे कि तुम्हारा क्या विचार है इस बारे में, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर जूनियर मोस्ट को मैंने अभी नहीं पूछा और पहले उसके सीनियर से पूछ लिया, तो जो सीनियर बोलेगा जूनियर वही बोलेगा। तो और किसी भी मीटिंग में जाने से पहले उनकी जो प्रिपरेशन होती थी देखने वाली होती थी। अच्छा, कुरियन साहब खुद भी तैयारी करते थे। और एक देखिए विजनरी तो थे ही थे, पर सबसे ज्यादा एम्फेसिस देते थे प्रोसेस में, कि किसी चीज को करने के लिए माइन्यूट डिटेलिंग करनी किसी। मुझे याद है कि 1990 में मैं अहमदाबाद में पोस्टेड था, तो उस वक्त हमने धारा एडिबल लॉन्च किया। हाँ, धारा जी। तो मैं उस वक्त ब्रांच मैनेजर था अहमदाबाद का। मुझे याद है कि हर सोमवार को 11 से 12 बजे के बीच उनका फोन आएगा, हालांकि वो चेयरमैन, मैं एक सिंपल सा ब्रांच मैनेजर, बीच में 10 लोग हैं, पर वो फोन करेंगे, पूछेंगे हाँ सोडी धारा क्या चल रहा है, क्या मार्केट की रिस्पांस है, क्या कंज्यूमर का रिस्पॉन्स है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सो दैट कि एकदम फीडबैक एकदम करेक्ट मिले। तो इतनी डिटेलिंग में जाते थे। इट शोज द इन्वॉल्वमेंट आल्सो। इन्वॉल्वमेंट भी और डिटेल, मतलब
नीचे लेवल पे क्या हो रहा है वो जानना चाहते थे, तभी आप इतना बड़ा बिजनेस बना सकते। ठीक बात है। सोढ़ी साहब, एक बात मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है, समझ में नहीं आती। आपने 1982 में ज्वाइन किया था, आप सेल्स हेड हुआ करते थे, तब से लेके अब तक आप अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन पे पहुंचे और अमूल का टर्नओवर 121 करोड़ से 38,000 करोड़ पे पहुंचा। सारी बातें, सारे आंकड़े समझ में आने लायक है, एक बात समझ में नहीं आती, अमूल बेबी जिसको आपने 1966 में लॉन्च किया था, 1966 में, अमूल बेबी 1966 से 2018 तक अभी भी वही उसी साइज की है, वैसे की वैसी है, वो क्यों बड़ी नहीं होती है? देखिए, जब तक भारत में अमूल बटर खाने के लिए बच्चे हैं तो बेबी वैसे ही रहेगी। देखिए, ये जो हमारा, इसको हम जो अमूल बेबी है, बटर गर्ल जिसको हम कहते हैं, ये हमारा सेंट्रल करेक्टर है। जो भी हमारे प्रमोशन, जो कि किसी भी चीज़ के ऊपर भारत में कुछ भी हो रहा हो, चाहे पॉलिटिकल हो, स्पोर्ट्स एरिना में हो, बॉलीवुड में हो, वो अपनी ओपिनियन बिल्कुल पारदर्शिता से अपनी ओपिनियन देती है, वो किसी को छोड़ती नहीं है और किसी के लिए बायस भी नहीं है। और इसीलिए जब वो कुछ भी बोलती है तो कोई भी माइंड नहीं करता, इवन कोई नेगेटिव कमेंट भी होगा तो लोग हंस के उसको टाल देते। पर अमूल बेबी के नेगेटिव कमेंट पे कभी एक दो बार आपके ऊपर लिटिगेशन भी हुए पास्ट के अंदर? आई रिमेम्बर, मुझे जहाँ तक याद है तो एक बार मेरे ख्याल से जगमोहन दालमिया ने लिटिगेशन किया उस वक्त, दालमिया में कुछ काला है, नहीं, हमने एक होर्डिंग लगाया था कि दाल में कुछ काला है जी, तो उसको कंट्रोवर्सी चल रही थी तो हमारे पास आया था डिफेमेशन का नोटिस। तो ऐसा कुछ भी होता है तो हम तो अपने एडवर्टाइजिंग एजेंसी डेकोनेसोस को बोल देते हैं, तो उनको बताया, तो अगले दिन नेक्स्ट होर्डिंग आ गया, दाल में वाकई काला है। क्या बात है। पर उसके बाद कुछ हुआ नहीं, एक भी इतने सालों में दो तीन बार लोगों को पसंद नहीं आया, लिखा हो या किया हो, पर एक भी लिटिगेशन नहीं हुआ पिछले 50-51 सालों में, एक भी लिटिगेशन नहीं हुआ। हाँ, दालमिया के बारे में तो मैंने पढ़ा था कि 500 करोड़ का उन्होंने आपको नोटिस दिया था, डिफेमेशन का केस किया, पर कोर्ट ने शायद 10% उसका उनको जमा कराने का बोला और उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो हर डिफेमेशन केस में होता है। राहुल गांधी का भी एक बार कुछ मेरे ख्याल से अमूल बेबी या ऐसा कुछ कैंपेन किया था आपने? नहीं, हमने नहीं किया, वो लोगों ने किया था, हमने नहीं किया। अच्छा, अच्छा, नहीं, ऐसे वो सत्यम वाले पे हुआ था, वो कुछ दो चार हुए था, वो चलते हैं, वो पार्ट ऑफ द, ठीक है, तो ऐसा बड़ा कंट्रोवर्सी नहीं हुआ सत्यम, पर ऐसी कंट्रोवर्सी से ब्रांड को और हेल्प मिलती है। ठीक बात है, ठीक बात है। अमूल का बटर मेरे ख्याल से अमेजिंग है, काफ़ी कंपनीज ने ट्राई किया उसके नज़दीक पहुंचने का, पर आई थिंक अमूल बटर इज द क्लियर मार्केट लीडर टुडे। हमारा इस वक्त 92-93% मार्केट शेयर है और पिछले आप देखिए 50-60 साल से चल रहा है, और बिकॉज अच्छी क्वालिटी है, सबसे ज़्यादा कि अच्छी क्वालिटी है, अफोर्डेबल प्राइस है और अच्छी अवेलेबिलिटी है, और ब्रांड की भी लोगों के बारे में अच्छा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कि क्वालिटी, प्राइस और ब्रांड, ये किसी और चीज़ में नहीं। मेरे ख्याल से अमूल के प्रोडक्ट अपनी क्वालिटी, अपनी विशेषता, अपना स्पेसिफिक टेस्ट जो वो लोगों को देते हैं, वो लोगों की ज़बान पे चढ़ गया है। इसके लिए उसका रिप्लेसमेंट अब तो नहीं लगता है कि कोई भी कभी भी आके कर पाएगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं चाहते कि अमूल, देखिए, पूरे भारत की दूध और दूध के प्रोडक्ट्स की जो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकता, और अच्छे ब्रांड्स को भी आना चाहिए, बड़े ब्रांड्स को आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, नॉट बिकॉज हमको कंपटीशन अच्छा या बुरा, अगर जितने अच्छे ब्रांड्स आएंगे, बड़े ब्रांड्स आएंगे, वो किसानों से दूध लेंगे और किसानों को दूध का भाव देंगे, क्योंकि अमूल तो सब भारत के सब किसानों से दूध ले नहीं सकता। अभी भी भारत में ऐसे राज्य हैं, झारखंड हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, काफ़ी राज्य, सिर्फ आप देखेंगे ना कि जितना भी दूध सरप्लस, उसका 1/3 दूध ही ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ रहा है, 2/3 दूध अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तो किसानों को अच्छा दूध का भाव नहीं मिलता। तो ऐसे जैसे बड़े ब्रांड आएंगे तो किसानों से दूध लेंगे, उनको अच्छा प्राइस देंगे, और जब किसान खुश हैं तो अमूल खुश है। बहुत बढ़िया। एक ऐसा लीडर के एवरीवन वर्किंग विथ हिम वुड विश कि हम इनको फॉलो करें, और शायद मेरे ख्याल से ये आपका जॉली नेचर और आपका बिल्कुल हर एक चीज़ को
चैलेंजिंग टास्क के रूप में लेना, पर लाइटली लेना ही शायद मेरे ख्याल से वजह है कि जिसकी वजह से आपको एक्सटेंशन भी दिए जाते हैं, आपको लोग जाने नहीं देना चाहते अपने यहाँ से। नहीं देखिए, हमारा तो काम है, जब तक है काम करेंगे। अभी छोटे शहर में बैठे हैं और कुछ है भी नहीं। सोढ़ी साहब की पर्सनालिटी के बारे में मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जैसे वो परिंदा अगर अपने पर खोल के ऐसा कहता है कि उड़ने दे मुझे, पर खोल के उड़ान अभी बाकी है, ये जमी मेरी मंजिल नहीं, पूरा आसमान अभी बाकी है। बढ़िया बढ़िया। सागर की लहरों को उसकी खामोशी मत समझ, उसकी बेबसी मत समझ, जितना भीतर गहराई है उतना ऊपर तूफान अभी बाकी है। वाह वाह, क्या सागर साहब ने क्या फरमाया। सोढ़ी साहब, आपके परिवार को आप जितना समय देना चाहिए उतना दे पाते हैं? मेरे ख्याल से तो नो डाउट, जितना मैं दिल से चाहता हूँ उतना दे नहीं पाता, पर जितना भी हो सकता है हम देते हैं। हमारा परिवार छोटा ही है, मेरे दो बेटियां हैं, एक की शादी हो गई, एक हमारे साथ ही आर्किटेक्ट है और एक मेरे ओल्ड पेरेंट्स हैं। बच्चे आपके कितने हैं और कहाँ कहाँ पढ़ते हैं? नहीं, दो बेटियां हैं। अच्छा, दो बेटियां हैं। हाँ, एक ने इंजीनियरिंग की, MBA किया, अभी वो बॉम्बे में जॉब करते हैं, शादीशुदा है। मेरी 3 साल की एक ग्रैंड डॉटर मायरा भी है। माय गॉड, आपको देख के कहाँ ऐसा लगता है कि आप दादा बन चुके हैं। तो ऐसा छोटी बेटी जो आर्किटेक्ट है अहमदाबाद सबसे किया है, okay. वो अपनी प्रैक्टिस खुद कर रही है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में ही रहती है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सूर साहब, एक और बात मैं आपके नेचर को जानता हूँ, इसके लिए पूछना चाहूँगा आपसे कि व्हाट इज दैट वन थिंग दैट इंस्पायर्स मिस्टर सोढ़ी टू गेट आउट ऑफ द बेड इन द मॉर्निंग? मेरे ख्याल से जब मैं सुबह उठता हूँ एक तो मुझे लगता है हर दिन लगता है कि आज कुछ नया करने को है। कुछ खाना बनाने का शौक रखते हैं? देखिए, खाना तो बचपन से बनाते आए हैं, सब कुछ बनाना आता है। क्या बात है, हम चार ब्रदर हैं, कोई सिस्टर नहीं है। हमारी मदर टीचर थी तो घर पे खाना तो हमको खुद ही बनाना पड़ता था, तो सब कुछ आता है बनाना। अच्छा, भाभी जी काफी खुश रहती होंगी आपसे? कभी कभी आप उनको आराम देते होंगे कि चलो मैं खाना बना देता हूं? नहीं, वो नहीं, अकेले होते क्योंकि तभी बनाते हैं। कोई और ड्रीम आपका अभी लगता हो कि एक बार अभी इस चीज को भी पूरा करना है? दिस इज समथिंग विच आई हैव लेफ्ट, मतलब अभी अकम्प्लिशमेंट बाकी है इसका, ऐसा कोई सपना जो? नहीं, हमारा मेरा तो एक ही सपना है कि अमूल जो अभी जिस वैल्यू सिस्टम पे चल रहा है, जिस गति से चल रहा है, जिस पर्पस के लिए चल रहा है, हम जब भी छोड़ेंगे हम चाहेंगे कि आने वाले 100 साल तक ये उसी सिस्टम पे, उसी प्रोसेस पे, उसी वैल्यू सिस्टम पे चलता रहे, वो हमारा ड्रीम है। हम भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करेंगे कि सोढ़ी साहब जिन्होंने अमूल जब ज्वाइन किया था 1982 में 121 करोड़ के टर्नओवर पे हुआ करता था और 38,000 करोड़ के टर्नओवर को क्रॉस कर चुका है अभी, और आगे जाए हिंदुस्तान की नंबर वन कंपनी तो बनी चुका है, विश्व के top 10 कंपनीज में से ऊपर चढ़कर सीढ़ियाँ विश्व की नंबर वन कंपनी बन जाए, ऐसा भी आपका सपना जरूर पूरा हो। आपसे मुलाकात करके, आपसे बातचीत करके बहुत मजा आया। तो दोस्तों, ये हैं अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर Mr.R.S. सोढ़ी, जिनसे हमने आज मुलाकात की। और मैंने कहा था ना कि हम पर्सनालिटी में ऐसी शख्सियत से मुलाकात करते हैं कि जिसकी पर्सनालिटी में, जिसके व्यक्तित्व में एक अनोखी बात होती है जिससे हमें इंस्पिरेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है, और आपको ज़रूर प्रेरणा मिलेगी सोढ़ी साहब से। इसलिए सोढ़ी साहब से मिलकर आप लोगों को ज़रूर मज़ा आया होगा। सोढ़ी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सागर जी, थैंक यू वेरी मच।